हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 इसमें हम कर रहे थे चैप्टर लाइट। एंड इन प्रीवियस वीडियो लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रीवियस जो वीडियो लेसन था उसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन जो है उसको डिस्कस किया था, उसके साथ साथ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो थे उनको भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या किया था, स्नेल्स लॉ डिस्कस किया था, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दैट इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल। आज हम उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, वट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज शोज द कंपेरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियाज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट मीडिया में क्या है, डिफरेंट है। इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड दैट द रे ऑफ लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, बट वैन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट स्लो डाउन और मूव फास्ट, ड्यू टू विच इट चेंजेज इट्स पाथ, विच इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑल्सो नॉन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो है वो क्या है, रेशियो है, किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इट इज डिनोटेड बाई एन, एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड एन इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई वी, वेयर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। वेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है कि वी जो है वो क्या करता है, वेरी करता है, डिफरेंट मीडियम में स्पीड जो है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। सो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडिया विल बी डिफरेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट मीडियम का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। या हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम का क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में क्या है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको सिंपली हम वर्ड्स में यूज करते हैं, ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। द वैक्यूम हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। वैक्यूम जो है उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वन है। दैट्स व्हाई इन वैक्यूम, अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो जो वी की वैल्यू है वो किसके इक्वल रहेगी, सी के इक्वल आएगी। इन दैट केस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, वन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मटेरियल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव इक्वेशन। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द ऑप्टिकल डेंसिटी एंड स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके अंदर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा जिस मीडियम का, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जो है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। मास जो है उस केस में हम क्या लेते हैं उसको, डेंसर और रेयर मीडियम वो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम ले रहे हैं। तो ऑप्टिकली डेंसर कौन सा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और उस मीडियम के अंदर लाइट जो है वो स्लोअर मूव करेगी, मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन जी, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी फॉर ग्लास इज 1.52 and that of water NW is 1.33. Since the refractive index of glass is higher than the water, यहाँ पे ग्लास का refractive index 1.52 है और water का refractive index है 1.33. Means 1.52 is more than 1.33.
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, वाटर से ज़्यादा है. इट मीन्स ग्लास इज डेंसर एज कम्पेयर टू वाटर. सो द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ग्लास. वाटर जो है उसके अंदर क्या होगा, लाइट इजीली मूव करेगी, मीन्स उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ग्लास. इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अनदर देन द फर्स्ट मीडियम इज सेट टू बी ऑप्टिकली डेंसर. मीन्स जिसके लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा. नाउ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ जो है उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होता है. इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स यहाँ कंपेरिजन जो हो रहा है वो दो मीडियम का कंपेरिजन होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपेरिजन किसका हो रहा था, एक मीडियम का हो रहा था. किसके साथ हो रहा था, वैक्यूम के साथ हो रहा था. अगर हम दो मीडियम हैं दोनों का कंपेयर करेंगे, इन दैट केस इट इज नॉन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम कौन सा होगा जिसमें रे ऑफ लाइट एंटर करती है, और फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा जिसमें इनिशियली ट्रैवल कर रही है. द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. इट इज डिनोटेड बाय N2:1. टू पहले है इसमें, इट मीन्स इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड. फर्स्ट बाद में है, इट मीन्स किसके रिस्पेक्ट में है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में है. देन N2:1 relative refractive index of second with respect to first equals to speed of light in first medium divided by speed of light in second medium. N2:1 equals to V1 by V2. तो first medium divided by क्या होगा, second medium होगा. किसके लिए, अगर हम second medium का calculate करते हैं, अगर हम करें first का, the relative refractive index of first medium with respect to second medium is defined as the ratio of speed of light in second medium टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम. ये भी रिवर्स हो जाएगा. N1:2 मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम. N1:2 इक्वल्स टू V2 बाय V1. अगर हम N1:2 और N2:1 को कंपेयर करें देन वी विल गेट N1:2 इक्वल्स टू 1 बाय N2:1. मीन्स अगर हम फर्स्ट और सेकंड मीडियम को इंटरचेंज करते हैं तो उनका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल रहता है. स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या था, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू N2:1. N2:1 मीन्स इट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा, इन विच द इंसिडेंट रे इज ट्रैवल, जिसमें इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है दैट इज फर्स्ट मीडियम, एंड जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल करेगी दैट इज सेकेंड मीडियम. ऑलवेज चाहे रे ऑफ लाइट कहीं से कहीं जाए, डेंसर टू रेयर जाए या रेयर टू डेंसर जाए, फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा जिसमें इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है, सेकेंड मीडियम कौन सा होगा जिसके अंदर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही है. तो ये साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू N2:1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वेयर N2:1 इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. एंड डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू ऑफ टू मीडियम्स आर सेम, अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, इन दैट केस वो मटेरियल्स डिफरेंट अपीयर नहीं होंगे. तो अगर किसी भी दो मीडियम के, सपोज आपके पास एक ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेम एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, आपने कोई भी लेंस ले लिया या कोई भी ग्लास ले लिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है. इफ दैट लेंस और ग्लास डिप्ड इन द वाटर और इमर्ज इन द वाटर, अगर आप उसको क्या करोगे, वाटर में इमर्ज कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वहां डिसअपियर हो जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा. दैट्स वाई, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मेटीरियल जिसका वो लेंस बना हुआ है उसका एंड वाटर सेम है.
दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होंगे तो वहाँ क्या होगा, रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज कर नहीं कर पाएगी, मीन्स वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो वो आपको अपीयर नहीं होगा, वो डिसअपीयर होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू ए इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको लिंक करते हैं किससे, स्पीड से। डिफरेंट मीडिया जो है उसमें क्या रहता है, स्पीड डिफरेंट होती है तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है वो ऑप्टिकली डेंसर होंगे, जिसके लिए लोअर होगा, स्मॉल होगा, वो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। फॉर लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, एंड फॉर स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम, दैट्स वाई कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वो ऑप्टिकली डेंसर है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एक रे ऑफ लाइट क्या है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम अगर ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वो क्या होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मीन्स फॉर इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम रहेगा। When it travels from a denser medium to rarer medium, it speeds up and bends away from the normal. When a ray of light traveling from denser to rarer medium, अगर ray of light क्या है, denser medium to rarer medium जा रहे हैं, suppose करो वो glass से air में जा रही है, in that case उसकी speed जैसे ही वो air में जाएगी speed up हो जाएगा, वो means उसकी speed increase हो जाएगी, and it bends away from the normal, और वो normal से away bend होगी। In this case द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमेशा ज़्यादा रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर एक पेयर है, गिवन पेयर, पर्टिकुलर पेयर है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट ए नंबर, इट इज़ यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, ओनली नंबर है, एंड That's why, because it is the ratio. Ratio जो है वो क्या होता है कि सेम क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से अगर हम कंपेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको रेशियो बोलते हैं, और उसके इसमें क्या होता है, रेशियो जो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है उससे हम अब रिफ्रैक्शन देखते हैं। लेट वी हैव ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, क्यूबॉइड फॉर्म में है। अबव द ग्लास स्लैब एयर, ग्लास स्लैब किसकी बनी है, ग्लास की बनी हुई है, एंड बिलो द ग्लास स्लैब दैट इज ऑल्सो एयर, ऊपर नीचे उसके एयर है, और ग्लास स्लैब जो है उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, ग्लास यूज हुआ है, एंड एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। ग्लास जो है ऑप्टिकली डेंसर है, एयर जो है वो ऑप्टिकली क्या है, रेयर मीडियम है। लेट ए ओ, इट इज इंसिडेंट रे, ए ओ जो है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, और अपर सरफेस जो है ग्लास स्लैब का उसके ऊपर क्या हो रही है, फॉल हो रही है। एन एंड एस, इट इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एंड एन एंड एस इज नॉर्मल एट दैट पॉइंट। आई, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये एंगल जो है ये क्या हो गया, एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में ट्रैवल करेगी तो ये क्या होगी, स्लो डाउन होगी, मीन्स इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। एंड ओ ओ डैस, इट इज द रिफ्रैक्टेड रे, ओ ओ डैस यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, ओ टू ओ डैस। एंड दिस डॉटेड लाइन, ये ब्लू डॉटेड लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी इनिशियल जो है इंसिडेंट रे जो है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर इंसिडेंट रे स्ट्रेट मूव करती तो उसका पाथ ये रहता, बट इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, दैट्स व्हाई, बिकॉज इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। एंड आर वन, इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस एयर ग्लास, एयर ग्लास इंटरफेस जो है वहाँ पे आर वन जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओ ओ डैस, इट इज द इंसिडेंट रे फॉर बॉटम सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का जो बॉटम सरफेस है उसके लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगी।
यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम एम डैश इज नॉर्मल एट ओ डैश। ओ डैश यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट है जहाँ पे एम एम डैश जो है वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए आर टू। आर टू इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। यहाँ पे हमारे पास ग्लास है और इसके नीचे क्या है, एयर है, तो ये सरफेस जो है ग्लास एयर इंटरफेस है उसके लिए आर टू जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। दिस रे ऑफ लाइट ओ ओ डैश ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अब ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है ग्लास से एयर में, इन दैट केस स्पीड्स अप एंड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये क्या होगी, नॉर्मल से अवे मूव करेगी। ओ बी ओ डैश बी इट इज इमर्जेंट रे, जो इमर्ज कर रही है ग्लास स्लैब से, इट इज नॉन एज इमर्जेंट रे एंड द एंगल ई बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इट इज नॉन एज इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई इट इज नॉन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ अगर आप नोट करोगे तो एंगल आर वन इज लेस देन आई होगा, दैट्स वाई यहाँ पे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ है। एंगल ई इज ग्रेटर देन आर टू होगा, दैट्स वाई ये क्या हुआ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव किया है। अब इसके अंदर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमें डॉटेड लाइन से शो की है और इमर्जेंट रे क्या है, ओ डैश बी है। ओ डैश बी एंड इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों जो हैं पैरेलल मूव कर रही हैं। इट मींस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल रहेगा एंड आर वन इक्वल्स टू आर टू। अब अगर हम देखें द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दोनों की जो डायरेक्शन है उस उनके बिटवीन अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें जिसको हम यहाँ येलो लाइन जो ब्लिंक कर रही है उससे डिनोट कर रहे हैं, इट इज़ नॉन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। मीन्स ये जो इंसिडेंट रे थी उसकी डायरेक्शन ये थी, बट जब ये इमर्ज हुई तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई, उसी के पैरेलल है बट उसके परपेंडिकुलर वो शिफ्ट हो गई, सो इट इज़ नॉन एज लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन था। इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।